इस कार्बन को ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है इसको, तभी आज ये जीवन का आधार है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इसको हल्के में ना लेना बेटा। कार्बन ने कईयों की जिंदगी बना दी थी और कार्बन ने कईयों की जिंदगी खत्म कर दी। आपको खत्म नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। मार्कर है, मार्कर का कैप ये ब्लू कैप हटाकर क्या लगा दिया, ब्लैक कैप। तो यानी कि इस ब्लैक कैप ने ब्लू कैप को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। बनाइए रिएक्शन कॉन्सेप्ट के साथ, बनाइए रिएक्शन। लिख लिख के समझ नहीं सकते जब तक कि उसकी आत्मा को आप नहीं देख। पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, रटेंगे नहीं। रटने से हमको बड़ी एलर्जी है। आप सभी जानते हैं कि कुल 118 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। और उन एलिमेंट में केवल एक कार्बन ही एक ऐसा है जो पूरी केमिस्ट्री लेके अलग हो गया, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे समझ नहीं पाते, वो जान नहीं पाते कि ये कार्बन, एक अकेला कार्बन पूरी केमिस्ट्री का एक एम्पायर लेकर अलग हो गया। कभी आपने सोचा कि इस कार्बन में ऐसी क्या क्या खूबियां ऊपर वाले ने भर दी हैं जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री लेकर अलग हो गया। हमें मतलब कि इससे डरना नहीं है, हमें इसके शरण में जाना है और पूछना है और जानना है कि आखिर इसके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें भरा हुआ है। इसी को देखते हुए मैंने क्लास 12th JEE और नीट के लिए यह स्पेशल कोर्स शुरू किया है। NCERT बेस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसमें हेलोएल्केन और हेलोरीन जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट कर किया है। और दो वीडियो लेक्चर में दे चुका हूं। पहला वीडियो लेक्चर हेलोएल्केन और हेलोरीन का इंट्रोडक्शन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना इजी है। और दूसरे लेक्चर में मैंने जितने भी नेम रिएक्शन हैं हेलोएल्केन और हेलोरीन में, जितने भी नेम रिएक्शन हैं उनको एक साथ मैंने चार्ट बनाते हुए बताया है, कहां पे कौन सा नेम रिएक्शन, उस नेम रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट और उसके रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, उसके प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे, वो सारा तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। बस उसी के बेस पर ही आप बहुत सारे रिएक्शंस बना सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। और रोज रात को मैं 9 बजे लाइव आता हूँ, और उस लाइव क्लास में जितने भी डाउट्स होते हैं आपसे, वो सारा का सारा यहाँ पर क्लियर होता है। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। आप देखिए, आप लाइव सेक्शन में जाइए मेरे चैनल के लाइव सेक्शन में जाइए, तो वहाँ कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे वो सॉल्व होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके हेलोएल्केन और हेलोरीन का अगला पार्ट, जो कि आज का है प्रिपरेशन। हेलो, आई एम आशीष सिंह और सुपर कैम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेटा चलिए सीखते हैं हेलोएल्केन और हेलोरीन का प्रिपरेशन, जो आज का थर्ड लेक्चर है वो स्टार्ट होगा। और यहां प्रिपरेशन में भी मैं एक साथ सारे रिएजेंट, सारे रिएक्टेंट को एक साथ कर दूंगा और एक साथ उसके क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो भी बता दूंगा, जिससे आपके रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा जाता है। वरना दुनिया तो कैसे कैसी चीज़ें पढ़ा रही है, आपके लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी आप अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, ताकि वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख सकें। तो चलिए विदाउट टाइम लॉस हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन
प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन के जो जो मेथड्स होंगे इनको हम लोग देखेंगे। आखिर हमको पता तो चले कि ये हेलो एल्केन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से रिएक्टेंट यूज होंगे और कौन कौन से रिएजेंट यूज होंगे, इनको हम समझने के लिए सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमको ये चीज़ें समझनी हैं। तो चार्ट में बेटा जो पहला कॉलम हम बनाएंगे वो बनाएंगे रिएक्टेंट का, यानी किससे बनाएंगे, फ्रॉम रिएक्टेंट यानी कि हैलोलुकेन फ्रॉम रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बनाएंगे। तो पहला कॉलम आपका ये हो जाएगा, दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, बड़ा मजा आएगा देखिएगा, आपस जुड़े रहिए। सेकंड कॉलम हो जाएगा यूज्ड रिएजेंट, इसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाएंगे, ठीक है, यूज्ड रिएजेंट। और दूसरा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का कौन सा टाइप है, सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए यहाँ पर टोटल 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज एडिशन रिएक्शन एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। इनके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, रिडक्शन रिएक्शन है ना, ऐसे ही सातवां डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल ये 4 रिएक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ये 4 रिएक्शन में बेटा ज़्यादा फोकस करते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर अगर हम ये समझ गए कि इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा तो उसको उसके कॉन्सेप्ट को सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बच्चों को पता ही रहता किस टाइप का रिएक्शन है, बस वो रिएक्शन देखते हैं रटना शुरू कर देते हैं। रटने से बचिए, अगर रटोगे तो वो कॉन्सेप्ट, रटने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो तुरंत दिमाग से निकल जाएगा, और चीज़ों को सीखे रहोगे समझे रहोगे तो काफ़ी दिनों तक दिमाग में रहेगा। तो यहाँ पर तीसरा कॉलम बनाएंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। फिर उसके बाद यहाँ पर बनेगा बेटा प्रोडक्ट, यहाँ पर बना देता हूँ प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स कौन सा होगा, वो प्रोडक्ट्स हो जाएगा हेलो एल्केन्स का ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से इन चार कॉलम में हम पूरे रिएक्शन को समझेंगे। अब बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा रिएक्शन बनाने में, बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा नहीं यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो फ्रॉम रिएक्टेंट, तो पहला जो रिएक्टेंट हम लेके चलेंगे एल्कोहल्स की पहचान क्या होती है, ROH ग्रुप, क्या होता है बेटा ROH ग्रुप यानी OH ग्रुप कहीं पे मिल जाए तो समझ जाइए वो क्या है एल्कोहल। और एल्कोहल यहाँ पर बेटा 3 टाइप के होंगे, एक होगा 3 डिग्री एल्कोहल, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्कोहल एंड 2 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्कोहल
अल्कोहल। मतलब ये क्या होता है, जब आप फर्स्ट लेक्चर देख लोगे हेलो एल्केन हेलो एरिन का जो फर्स्ट लेक्चर देख लोगे, तो ये वाला जो 1 डिग्री 2 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में चला जाएगा, जिंदगी भर के लिए। तो उसको देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो मैं उसको बता देता हूँ कि होता क्या है। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, और इसके साथ जुड़े हुए OH को कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, और इसके साथ जुड़े हुए OH को क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, और इसके साथ जुड़े हुए OH ग्रुप को क्या कहेंगे आप, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो मैंने इस तरह बता दिया, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। अगर फिर भी अगर नहीं हो तो नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट। अब इस अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए, तो यहाँ पर रिएजेंट जो हम लिख रहे हैं पहला ये होगा हैलोजन एसिड। क्या होगा बेटा, हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं HX। क्या कहते हैं इसको, HX। X का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ फ्लोरीन लेकर नहीं चलते क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है। मैं यहाँ पर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिख देता हूँ, किसके साथ कौन सा यूज होगा वो भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने यहाँ HCl लिया बेटा, क्या लिया, HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लिया, तो HCl के साथ आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया तो यहाँ पर एसिड लेना पड़ेगा, तो जनरली हम लोग H2SO4 लेके चलते हैं। ठीक है, और अगर आपने HX में हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसको केवल हीट करना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, HBr से, और HBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, HCl से। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इसीलिए HCl चूँकि लेस रिएक्टिव है, यहाँ पर हम बाहर से एज अ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ये भी एक लुइस एसिड जैसा काम करेगा, इसकी मैकेनिज्म में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे हो जाएंगे जो रिएजेंट यूज किए जाएंगे, और यहाँ पर ये हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, तो यूज्ड रिएजेंट, ये हमारे रिएजेंट हो गए। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें चाहे आप HCl यूज करो, चाहे HBr यूज करिए, चाहे HI यूज करिए, इन सभी में ये जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ऐसे देखो, ROH और यहाँ पर यूज किया आपने क्या, HX। अब HX में HCl, HBr, HI कुछ भी हो, तो ये तीनों जो हैं क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बेटा RX। क्या बनाएंगे, RX ये, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा,
क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा H2O, ये H2O। तो सेपरेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, सेपरेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, दूसरा पेन कहाँ है, कलर पेन तो कहाँ चला गया भाई, कोई बात नहीं ढूंढ के रखूँगा, यहाँ बता रहा हूँ, ये OH और यहाँ से H, H एंड OH, H2O निकल गया। तो इस OH की जगह पर, इस OH की जगह पर क्या आया, X आया, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मार्कर है, मार्कर का कैप, ये ब्लू कैप हटाकर क्या लगा दिया, ब्लैक कैप, तो यानी कि इस ब्लैक ने, इस ब्लैक कैप ने ब्लू कैप को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, ये आगे की मैकेनिज्म में आपको और मिलेगा जब SN1 SN2 पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा RX और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, H2O। ये देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से अल्कोहल का यूज करेंगे तो ये यहाँ पे रिएजेंट ये यूज होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे और प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इसी से ही देखो, इसी से ही अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल तीन लिया, तो तीन ये और तीन ये, तो हो गए तीन रिएक्शन, फिर तीन इसके साथ, फिर तीन इसके साथ, मतलब कि 9 रिएक्शन इसी एक चार्ट से निपट जाएगा। कैसे, कैसे, रुको, वेट करो, आगे देखो, ठीक है। तो चलिए ये कॉलम अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, और फिर यहाँ पर हम इसको यहाँ से खींचते हैं, ये मैंने खींच दिया लाइन, ये अल्कोहल का ही पार्ट है बेटा, ये अल्कोहल का ही चल रहा है ये। अब इसमें मैंने, इसमें पहला नंबर इसको कर दे रहा हूँ, यहाँ नंबर भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, पहला नंबर ये, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पे हम लेके चलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये अल्कोहल यहीं पे रहेगा, ये थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है फार्मूला, SOCl2। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसा होता है, देखो इस तरह से, यहाँ पे S हो गया, डबल बॉन्ड O, और ये Cl और ये Cl, ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला है ये। तो SOCl2 को हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। और इसके जो रिएक्शन होता है वो बेस के प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ कोई बेस ले लेते हैं पिरिडीन, यहाँ पिरिडीन बेस ले लिया, पिरिडीन बेस, ये पिरिडीन ऐसे होता है, ये हो गया पिरिडीन, जानते रहिए, सब नोट करके लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H5N, ये बेस के फॉर्म में यूज होता है। और यहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी कौन सा रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए लोग हों, ताकि आपको और अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, सारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बस मेरे साथ आपको बने रहना है, रटने वाला काम नहीं करना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यानी यहाँ पर भी ROH, ये होगा किसके साथ, ये Cl, Cl, S, Cl and double bond O। तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, H लेके निकला क्या, HCl। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पहले क्या बनाओगे, HCl, और फिर इसके बाद ये है SO, और इसका एक ऑक्सीजन, देखो ये गया लाइन, ये ऑक्सीजन और SO मिलकर क्या बनाएगा, SO2, ये निकल गया गैस फॉर्म में। बचा क्या आपके पास, एक R बचा यानी एल्काइल ग्रुप बचा, और एक क्या बचा, क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा यहां पर, RCl, क्या बन गया, RCl। तो इस तरह से यहां पे बनेगा एल्किल क्लोराइड और यहां बनेगा एल्किल हैलाइड, और X का मतलब क्या होगा, यहां पर X का मतलब हो जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसी चीज को बच्चे रिएक्शन बना बना के रटते हैं। अरे रटना क्या है,
सब मिला के इसी में निपट गया। अब आपको यहाँ पर इसको निकाल निकाल कर यूज करना है, बस लास्ट में जब ये ख़त्म होगा ना तो लास्ट में इसका यूज करना सिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा अरे बाप रे बाप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान है, अभी तक तो हम समझे ही नहीं थे क्योंकि अभी तक आपने मुझसे नहीं पढ़ा ना। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मिटा के अगला बता सकूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल्कोहल का ही पार्ट है ये, अल्कोहल का दूसरा नंबर हो गया। अब अल्कोहल का थर्ड नंबर देखते हैं, अल्कोहल का थर्ड नंबर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, चलिए इसी में बना रहा हूँ, ठीक है। जब सब कुछ हो जाएगा ना एक साथ तब आप रिएक्शन बनाइए, बनाइए रिएक्शन कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए, कॉन्सेप्ट के साथ रिएक्शन बनाइए तब मज़ा आएगा। यूँ रट कर अटक अटक कर कितना भी रटो आप अटकोगे ज़रूर, अगर समझे रहोगे तो कभी नहीं अटकोगे, समझे रहोगे तो अटकोगे नहीं, अटका दोगे लोगों को। तो पहला तीसरे नंबर पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पर तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यहाँ पे कर दीजिए फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस फास्फोरस ट्राई हैलाइड, सब काम की बात है, बाकी सब लोग क्या हैं, बाकी लोग सब तो टाइम पास करते हैं, ये है वो है ऐसे है फिर थोड़ा नाच गा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट से काम चलेगा। यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स थ्री, ये है ट्राई, फास्फोरस मतलब पी, ट्राई मतलब तीन, हैलाइड मतलब एक्स थ्री। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं पी सी एल थ्री, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं पी बी आर थ्री फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड, और क्या हो जाएगा फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। ये जो होता है और करके बता रहा हूँ, इसको पी फोर प्लस एक्स टू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इन सीटू रिएक्शन होता है, इन सीटू, इन सीटू रिएक्शन, इन सीटू रिएक्शन का मतलब समझते हो, मतलब कि उस रिएक्शन में ही इसको डालेंगे, यानी कि फास्फोरस और हैलोजन के मिक्सचर को, अगर हैलोजन इसे क्लोरीन है तो सी एल टू, ब्रोमीन है तो बी आर टू, आयोडीन है तो आई टू, इनको क्या करेंगे फास्फोरस और एक्स टू के मिक्सचर को हम उस कंटेनर में डाल देंगे, किसमें, जिसमें हमें रिएक्शन कराना हो, और वहीं पर ही क्या बन जाएगा पी एक्स थ्री बन जाएगा, ऐसे देखो ऐसे, जैसे पी फोर और सी एल टू ये आपस में ही रिएक्ट करके क्या बना लेंगे पी सी एल थ्री। तो पी सी एल थ्री डायरेक्ट ना यूज करके हम फास्फोरस और ये क्लोरीन के मिक्सचर को यूज करेंगे जो रिएक्शन में ही पी सी एल थ्री बना देगा। बैलेंस करना हो कर दीजिए, फोर यहाँ सिक्स कर देंगे, यहाँ पर फोर ही है, तो बैलेंस का उतना काम नहीं, बस आपको क्या बनना है वो जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड इन सीटू रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन करके ये ऑलरेडी बना देगा, ठीक है। तो चलिए इसका ये रिएक्शन किस टाइप का होगा, इसमें जो रिएक्शन होंगे वो सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, ये सब जितने भी होंगे बेटा रिएक्शन को आर ई एक्स करके बता दिया शॉर्टकट में, इसमें भी जितने रिएक्शन होंगे वो सब के सब कैसे होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। मतलब देखो जैसे आर ओ एच आ गया, आर ओ एच आ गया, और यहाँ पे आपने लिया क्या, यहाँ पे लिया फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड, यहाँ पे क्लोरीन कर दिया फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। तो होगा क्या, यहाँ पर तीनों क्लोरीन, समझिएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर तीनों क्लोरीन, दूसरा पेन रेड पेन नहीं दिख रहा यार, चलो कोई बात नहीं अगली बार से रखेंगे। तो यहाँ तीनों क्लोरीन कहाँ से बना दूँ, ऐसे देखो ये तीनों क्लोरीन यहाँ से ये उठाया और ये ऐसे किया, ये तीनों क्लोरीन किसके साथ आर के साथ ऐसे निकाल दीजिए, देखो जहाँ जहाँ दिख रहा हो एक बन गया ना डब्लू बन गया, इसे डब्लू बन गया, ठीक है। तो आर और ये तीन क्लोरीन मतलब यहाँ थ्री आर होगा, कितने आर होंगे थ्री आर, ठीक है। तो थ्री आर और थ्री क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे आर सी एल, क्या लिया एग्जाम्पल क्लोरीन लिया है पी सी एल थ्री लिया है इसीलिए हमने क्लोरीन बनाया है, और बाकी ओ एच यानी तीन ओ एच, थ्री ओ एच और एक फास्फोरस, ये बना लेगा क्या एच थ्री
PO3 फास्फोरस एसिड, क्या कहेंगे इसको, फास्फोरस एसिड, आर्थो फास्फोरस एसिड, आर्थो फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फार्थो आर्थो फास्फोरस एसिड, ठीक है। और यह क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। अच्छा आप अगर ब्रोमीन ले लीजिए, तो अगर ब्रोमीन लोगे तो क्या बनेगा बेटा, RBr बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड। अगर आयोडीन ले लोगे तो क्या बनेगा बेटा, एल्किल आयोडाइड बनेगा। तो इस तरह से अगर आपने फास्फोरस ट्राई हेलाइड लिया तो ये फास्फोरस ट्राई, अब इसमें से कोई भी चीज उठा के बस रिएक्शन बना, यहां पे R को चेंज करना, यहां पे OS तो रहेगा, अल्कोहल तो रहेगा ही, यहां पर PX3 को चेंज कर देना, बस देखो रिएक्शन बनता चला जाएगा। सारे रिएक्शन का बेस यही है, सारे रिएक्शन का बेस यही है, आपको एक जगह पे ला दिया, रिएक्शन लिख लिख के समझाने से अच्छा है उसकी आत्मा को पकड़ो, उसकी आत्मा क्या है, उस रिएक्शन की आत्मा क्या है, ये जरूरी है। तो मैंने उसकी आत्मा ही निकाल के बता दिया कि यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो PCl5 PCl5, ठीक है। यहां ट्राई तो बन जाएंगे तीनों, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी और आयोडीन के साथ भी ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथा नंबर। चलो इसी का ही फॉर्म है तो चौथा नंबर चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्कोहल का ही है। तो ये होगा बेटा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। क्या होगा, PCl5 केवल PCl5 यानी कि पेंटा के रूप में केवल और केवल क्या मिलेगा, PCl5 और कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आपने फास्फोरस पेंटा बना दिया, पेंटा ब्रोमाइड या फास्फोरस पेंटा आयोडाइड, तो बेटा ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको लिख के काट देना। तो इसमें भी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा मुझसे, मैं शुरू करूंगा जल्दी ही, ठीक है। तो वहां मजा आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, आपको एक से एक चीज बताऊंगा बेहतरीन चीज। तो यहां पर होगा सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन, यहां पर भी क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहां पर भी आप देखो तो ROH और PCl5 यानी पांच हैं, तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूं PCl5। तो होगा क्या, देखो इसका एक R यानी कि अल्कोहल का एक अल्काइल ग्रुप, ये R, और इस PCl5 का एक क्लोरीन, ओनली वन क्लोरीन, कितने क्लोरीन, वन क्लोरीन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये एल्किल क्लोराइड, केवल यही बनेगा, ओनली, क्यों बनेगा, क्योंकि हमने केवल PCl5 लिया है, तो ये बन गया एल्किल क्लोराइड। बाकी सब क्या बनाएंगे, देखो एक H यानी कि देखो एक एक करके बता रहा हूं आपको, थोड़ा उसको ब्रेक कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पे फास्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहां पे थोड़ा सीधा होता है, ये एक्सियल बॉन्ड कहलाता है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, इसका एक R निकाला और ये क्लोरीन को लेके निकल गया, बस काटो कच्ची कच 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 काट दिया और यहाँ पर क्या बना दिया, RCl। बाकी क्या बचा, बाकी यहाँ एक फास्फोरस और ये एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ठीक है, ये चार क्लोरीन। तो क्या करिए, सबसे उसके बाद एक ऑक्सीजन ये और बाकी फास्फोरस और तीन क्लोरीन, ऐसे देखो 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 यहां से इसको लेके निकाल दीजिए, ये ऐसे निकाल दिया, देखो कहां से कहां निकाला, ऑक्सीजन, एक फास्फोरस और तीन क्लोरीन, तो ये बना लेगा POCl3, इसे कहेंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या कहेंगे इसको,
फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और यहां पर क्या निकल जाएगा HCl, क्या निकलेगा HCl, ठीक है, जो बचा H और एक Cl, HCl निकल गया। तो इस तरह से अल्कोहल में यहां पे टोटल ये फोर टाइप के रिएक्शन हैं, तो जिसको मैंने एक एक करके कौन सा रिएजेंट यूज्ड होगा, कौन सा यूज करेंगे यहां पर, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा का सारा मैंने यहां पर बता दिया। अब इसी के बेस पर आपको रिएक्शंस देखने हैं और बनाने हैं। तो चलिए अब इसके बाद यहां पर जो रिएक्टेंट लेके चलेंगे फ्रॉम रिएक्टेंट, अब वो लेके चलेंगे एल्कीन से। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हीरे मोती हैं, समझ लीजिए हीरे मोती हैं, ये बिल्कुल हीरे मोती हैं। आपको यहाँ पर यही चाहिए, यही तो तलाश कर रहे थे आप, यही तो तलाश कर रहे थे। रिएक्शन की तलाश नहीं है हम की, हमारी इसकी तलाश है कि कौन सा रिएजेंट होगा, कैसा किस टाइप का रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट वहाँ पे क्या बनेगा। रिएक्शन तो हम इन्हीं से बनाएंगे, और एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, हजारों रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो होगा एल्कीन। क्या होगा बेटा? एल्कीन। यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखेगा, क्या दिखेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और यहां पर एल्कीन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये हुआ कि ऐसी एल्कीन जिनको दो बराबर भागों में बांट सके, जिनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सके। जैसे कि ये देखो, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनको बीचों बीच आरी चलाओ, तलवार चलाओ, चाकू चलाओ, इनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल एल्कीन। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल और देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पर भी चाकू चलाओ, तलवार चलाओ, इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसे एल्कीन जिनको दो बराबर भागों में बांट सको उन्हें कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन, और जिनको दो बराबर भागों में ना बांट सको, जैसे ये देखो, जैसे ये, इन्हें कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। पहले नाम लिख दे रहा हूं, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जिनको दो बराबर भागों में बांट ना सको। जैसे ये देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH या CH2, ठीक है, कार्बनिक वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो इनको किसी भी तरीके से आप दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते। जैसे आप यहाँ से देखो, अगर इनको बांटोगे, यहाँ से बांटोगे, बाउंड के बीचों बीच से कभी नहीं बटेंगे, यहाँ CH2 यहाँ CH3 CH, अगर आप CH के बीचों बीच से काटो तब भी नहीं बटेंगे, यहाँ CH3 यहाँ CH2। आप किसी भी तरीके से ऐसे कंपाउंड को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, और जब दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते तो उन्हें हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जो एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन होगा वो किससे होगा? मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग। पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, रटेंगे नहीं, रटने से हमको बड़ी एलर्जी है, ठीक है। तो हम यहां पर एल्कीन यूज करेंगे, और रिएजेंट जो यूज करेंगे यहां पर हम लोग हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड, हैलोजन हैलोजन एसिड या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड कहेंगे, हैलाइड। जैसे हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे HX, क्या लिखेंगे? HX। यहाँ पर HX क्या होगा? HX यहाँ पे देखा जाएगा तो HCl, HBr, HI, ठीक है, HI। और यहाँ पर इसके पोलर पोलर नेचर को लेके चलेंगे। पोलर नेचर का मतलब होता है, रेड पेन कहाँ है, मैं दिखाई नहीं दे रहा यार, चलो आज कैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, ब्लू और ब्लैक से ही काम चलाएंगे बेटा।
देखो यहाँ इसका पोलर नेचर लेके चलेंगे। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, जिस वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन को अपने खींचते हैं जिससे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल। हाँ ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा कैमरा देखने चला आया था, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। देखो यही सब ABCD है, यही सब ABCD है, आप लोग जानते रहिए, मैं अभी बता रहा हूँ इसको क्या होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे, जैसे मान लो ए नेगेटिव है, या जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो, तो ये सब के सब क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव। इन सब का अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो जितने नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं या जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग, लविंग मतलब अट्रैक्ट होना, यानी न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ ये सब के सब क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ये किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरह, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ, इसीलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। तो बताओ इसमें H क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और X मतलब हैलोजन क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन होंगे बेटा एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ये जितने भी रिएक्शन होंगे एडिशन रिएक्शन होंगे। पूछो कैसे, ये होगा ऐसे, HX यहां पर आपने क्या लगाया, HX। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इनके प्रेजेंस में, चूंकि H+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये अटैक करते हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको मिलेगी आगे। तो जब इस पर अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, और इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ओर शिफ्ट हो जाएंगे, सपोज दैट मैंने इस ओर शिफ्ट कर दिया। तो बताओ जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यानी कि अभी टूटा नहीं है बॉन्ड, तो हम डेल्टा दिखाएंगे। डेल्टा मतलब क्या होता है, पार्शियल। ये जो डेल्टा बनाते हैं ना, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, मतलब बॉन्ड नहीं टूटा है, उस पर वो चार्ज आएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया डेल्टा माइनस, और ये क्या हो गया, डेल्टा प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जा रहा है। तो यही पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, इस कार्बन की तरफ जाएगा, यानी कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लस को, और ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, माइनस, ये नेगेटिव किसको देगा, ये प्लस को देगा, और इसका नेगेटिव किसको देगा, प्लस को देगा। मतलब अपोजिट चार्ज को जोड़ दीजिए, अपोजिट चार्ज को जोड़ दीजिए, नेगेटिव जुड़ेगा पॉजिटिव से, पॉजिटिव जुड़ेगा नेगेटिव से, और बना दीजिए प्रोडक्ट, 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 प्रोडक्ट बन गया। देखो क्या बना, क्या बना, बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके बॉन्ड शिफ्ट होंगे वो बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर एक तरफ जुड़ जाएगा H और एक तरफ जुड़ेगा X। तो इस तरह से बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो CH2 होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता, तो HX जब जुड़ता तो क्या बनता, CH3 और CH2X, ये बन जाता आपका। ठीक है, अब इसी में ही मार्कोनी का आपका रूल आप लगा सकते हो। तो अगर यहाँ पर अनसिमेट्रिकल, फॉर अनसिमेट्रिकल, सब इसकी आत्मा लिखा दिया, एक जगह पे कर दिया, जिसका 500 जगह पढ़ते हो ना, वो सब एक जगह पे आ रहा है। देखो समझो, जो जो समझा रहा हूँ, ये हर कोई नहीं समझ पाएगा, केवल आप समझ पाओगे। फॉर अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब ऐसे एल्कीन है,
अनसिमेट्रिकल एल्किन, जिनको ये वाला एल्किन जिनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, मार्कोनी काफ रूल, मार्कोवनी काफ, काफ कहीं कहीं एफ लिखा होता है, कहेंगे ओ वी लिखा होता है, मार्कोनी काफ रूल। स्पेलिंग मत जाइएगा बेटा, है यही चीज, ठीक है, स्पेलिंग तो यही है, मार्कोवनी काफ रूल। तो ये अप्लाई होगा किसके लिए, यहां पर अच्छा ये किसके लिए होगा, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये किसके लिए होगा, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ओनली। और ये जो होगा विदाउट, विदाउट यहां पे आपको नहीं मिलेगा क्या, परऑक्साइड, परऑक्साइड बिल्कुल नहीं लिखा होना चाहिए, याद रखना, अगर परऑक्साइड नहीं है तब आपका मार्कोनी काफ रूल यहां पे अप्लाई होगा। और यहां पर एच प्लस एड एड ऑन ऑन कार्बन दैट हैव या विच हैव विच हैव विच हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जहां पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन होगा इस कैटायन को वहां पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस कैटायन को यहां पर जोड़ दीजिएगा। कैसे जोड़ेंगे वो आपको उसमें बता भी यहां पे बता दूंगा मैं। और एक होता है बेटा, एक होता है एंटी मार्कोनी या खारैस इफेक्ट, खारैस इफेक्ट, खारैस ये एस एच, खारैस इफेक्ट, या इसे कहेंगे एंटी मार्कोनी काफ रूल, एंटी मार्कोवनी काफ रूल। ये जो होगा ये विद 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 किसके साथ, परऑक्साइड, यहां परऑक्साइड मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, परऑक्साइड, परऑक्साइड लिखा रहेगा। जैसे देखो एग्जांपल, यहां एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिया यहां पर CH3 और CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है, तो देखो अगर यहां पर नो परऑक्साइड यानी कुछ नहीं लिखा हो और यहां पर क्या लिखा हो, परऑक्साइड, क्या लिखा हो, परऑक्साइड, परऑक्साइड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अभी इसका डिटेल रिएक्शन सिखाएंगे तो वहां पर आ जाएगा ये परऑक्साइड। देखो अगर कुछ ना लिखा हो तो कौन सा रूल लगाइए, मार्कोनी काफ, मार्कोवनी काफ, ठीक है, मतलब एच एक्स कहां जुड़ेगा, एच एक्स यानी हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब यहां CH2 पर एच आएगा, CH2 पर एच आएगा, तो ये बन जाएगा CHX ये, और यहां पे बन जाएगा CH3। और अगर यहां पे परऑक्साइड है तो H यानी H प्लस कहां जोड़ेंगे, ये प्लस फॉर्म में रहेगा ये, और ये X कैसा होगा, नेगेटिव, तो H कहां जोड़ेंगे, जहां लार्ज जहां कम नंबर में हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH यहां H जुड़ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब परऑक्साइड ना हो तो एक्स को वहां जोड़िए जहां पर लेस नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो, या फिर एच को वहां जोड़िए जहां लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। और अगर परऑक्साइड है तो एच कहां जाएगा, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और एक्स कहां जाएगा, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इस चीज का ध्यान देना है, क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये हो गया, मैंने सिखा दिया एक लाइन में, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इन्हीं से रिएक्शन बनाएंगे, इन्हीं से झमाझम क्या बनाएंगे बेटा, रिएक्शन बनाएंगे। ये चार्ट लिख लीजिए, बहुत काम का है, बार बार देखते रहेंगे तो कभी दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट है एल्काइन, एल्काइन से बनाएंगे जल्दी जल्दी करते हैं। देखो कितना, जिसको लोग जो है कम से कम 3-4 लेक्चर में पढ़ाते हैं उसको मैंने 1.5 घंटे में निपटा दिया, ठीक, एल्काइन के साथ। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। देखो बेटा एल्काइन अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन, एल्काइन।
ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड एक क्या है सिग्मा बॉन्ड, दो पाई एक सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर टू मोल क्या लगेंगे एच एक्स लगेगा, एक एच एक्स एक बॉन्ड के लिए, दूसरा एच एक्स दूसरे बॉन्ड के लिए। यहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन, ऐड होगा, कैसे देखो ऐसे, यहाँ पर एच एक्स जोड़ोगे तो एक एच एक कार्बन पे डबल बॉन्ड, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा ये, और फिर दोबारा जब एच एच एक्स जोड़ोगे तो फिर वहाँ पर मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग एच वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, एच वहाँ जाएगा, एच वहाँ जाएगा जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर एच है ही है दिख ही रहा, तो एक एच और जोड़ दीजिए, ये मार्कोनी काफ के रूल हो जाएंगे, पूछूंगा मैं अभी बताना इसको अच्छे से, ये एक्स बन जाएगा। तो इसे कहेंगे बेटा, जबकि देखो दोनों एक्स, जब दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हों, जब दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो इसे कहते हैं जेमिनल, पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर देख लेना, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, मतलब कि जो आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है हैलोकेन हैलोएरिन का, ये जरूर देखिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा प्रोडक्ट, एच एच यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ पर एक्स एक्स जोड़ दीजिए, दिस इज दिस फॉर्म प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखो कितना अच्छा लगता है ना, बस सर इतना ही, अरे ये बड़े बड़े एग्जाम निकलवा देगा बेटा, यही तो बच्चे मिस करते हैं, बस रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, अरे रिएक्शन की आत्मा पकड़ो, हैं यहाँ आत्मा पकड़िए, आत्मा अमर है, रिएक्शन अमर नहीं है, आदमी अमर नहीं है, आदमी अमर नहीं है, हम सब चले जाएंगे, आत्मा अमर है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, रिएक्शन बदलता रहेगा लेकिन ये उसका आत्मा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट लास्ट है एल्केन, एल्केन के साथ बताएंगे, एल्केन देखो बेटा, एल्केन एल्केन में क्या होगा, वहाँ पर सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, है ना, जैसे एग्जांपल लेके बताऊँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। एल्केन में सिंपल एग्जांपल किसका ले लें, मेथेन का ले लेते हैं बेटा, देखो मेथेन का ले लिया हमने, यहाँ चार हाइड्रोजन है, ये ले लिया मेथेन, आप एथेन भी ले लो, एथेन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एथेन भी ले लीजिए। तो सिंपल मैं मेथेन का एग्जाम्पल लेके चलूँगा, मेथेन, जिससे आपको ये बताने में आसान होगा। यहाँ पे जो हम रिएजेंट लेंगे या यहाँ पे जो हम जिसे रिएक्ट कराएंगे अगर उसको यूज करना चाहें तो यहाँ पर X2 यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, HNU का मतलब होता है लाइट, लाइट रेडिएशन लाइट, या फिर आप यहाँ पर हाई टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, साथ में कहीं कहीं पराऑक्साइड भी यूज कर लेते हैं, पराऑक्साइड भी यूज कर लेते हैं, पराऑक्साइड भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं। यहाँ पे X2 हम जनरली क्या लेके चलेंगे, Cl2 लेके चलेंगे और Br2 लेके चलेंगे और आयोडीन लेके चलेंगे, I2 लेके चलेंगे, बट फ्लोरीन लेके नहीं चलेंगे, फ्लोरीन लेके नहीं चलेंगे, फ्लोरीन लेके नहीं चलेंगे, यहाँ पर नो फ्लोरीन, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नो फ्लोरीन, क्यों नहीं लेके चलेंगे वो भी बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नो फ्लोरीन, नो F2, नो F2, क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन कैसा होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है बेटा, वायलेंट रिएक्शन होता है, विस्फोटक टाइप का होता है, इसीलिए इसको लेकर नहीं चलते, ये एक्सप्लोसिव होता है, जैसे लाइट में रखोगे तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो होगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ऐसे देखो जैसे मान लिया मेथेन लिया ना आपने, ये एच लिया एच एच चार एच, और ये मान लो यहाँ क्लोरीन ले लिया आपने क्लोरीन, और एक चीज़ हाँ मजे की बात तो बताना ही भूल गए, आयोडीन अगर यूज करोगे तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, लिख लो कहीं पर,
कहीं पर लिख लो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं थी नीचे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप नीचे लिख लीजिए जगह हो तो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, कब कब? जब आयोडीन लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर बाई प्रोडक्ट जो बनेगा, बाई प्रोडक्ट वो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड HI। और मैं अभी बताया उस वाले केस में बताया था ना, अभी अल्कोहल वाले केस में हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो एक रिएक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा, इसकी जगह नहीं थी मेरे पास इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ। मान लो यहां पर आपने लिया एल्केन, लिया RH, ये एल्केन है, एक हाइड्रोजन है R है और H है, ठीक है, CH3 और H। तो यहां पे आपने लिया क्या, I2 लिया। जब I2 लोगे तो क्या बनेगा, RI बनना चाहिए और क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। तो ये HI जो है ना, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता है जिससे हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाता, यानी RI प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो इस HI को खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, HIO3। कैसे यूज करते हैं? तो ये HI क्या करता है बेटा, ये HI क्या करता है, ये करता क्या है, HI और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HIO3, ये इससे रिएक्ट करके ये बना देता है आपका बना देगा वाटर H2O और I2। ठीक है, इसमें तोड़ देगा, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ 3 कर दीजिए, जब 3 कर देंगे तो यहाँ पर कितने आयोडीन हो जाएंगे बेटा, यहाँ 3 तो है ही है, यहाँ इसको 5 कर दीजिए बस, और यहाँ पर 3 आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर दिया मैंने। तो यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन आयोडाइड को I2 में ब्रेक कर दे रहा, तोड़ दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आओ, ये तो किसके लिए था, HIO3 के लिए था। अब बाकी के लिए IGTs, देखो यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, देखो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन, 2। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे, इसे कहते हैं होमोलिटिक फिसल। क्या कहते हैं इसको, होमोलिटिक फिसन, जिससे यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसे कहेंगे फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे इसको, फ्री रेडिकल। ये हो जाएगा बेटा फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल, थोड़ा गैस बन रही है, ठीक है, ये हो गया फ्री रेडिकल्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर यही फ्री रेडिकल इस पर अटैक कर देगा, जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, HCl। और ये क्लोरीन और ये फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। ये देखो, बात समझ आ गया। और यहाँ पर जितने हाइड्रोजन हैं एक एक करके निकलेंगे, जैसे देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल जाएं और 2 क्लोरीन जुड़ जाएं तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकल जाएं, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा यानी 1 by 1, तो क्या बन जाएगा, CCl3। और 4 हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बन जाएगा, CCl4। यानी एक एक करके आप इनके 4 हाइड्रोजन को इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अलग अलग निकल सकता है। तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरीके से जितने भी हैलो एल्केन बनाने के जो मेथड है ना, प्रिपरेशन मेथड है ना, उन सब को मैंने यहां पर आपको लिख दिया, समझाते हुए लिखाया कि ये ऐसे होता है। जब आप एक चार्ट में उसको लिख लेंगे तो आपका रिएक्शन लिखना आसान हो जाएगा, और कैसे होता है तुरंत देखिए। चलिए इतना पहले जल्दी से नोट कर लीजिए इतना तो फिर मैं इसके रिएक्शंस के तरीके सिखाता हूँ। नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन कैसे बनाया जाएगा। इतने सारे रिएक्शन मैंने लिखे हुए हैं, क्या आप घबरा गए हैं,
बिल्कुल नहीं घबराना, मैंने जो सिखाया है आपको स्टेप बाय स्टेप, बस उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। वो जो स्टेप बाय स्टेप मैंने अभी आपको पढ़ाया, सिखाया, समझाया, बस वहीं पर इसको अप्लाई करके ऐसे तमाम रिएक्शन को आपको बना सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं फील करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बस उसको अप्लाई करिए, अपने ज्ञान को अप्लाई करना सीखिए। जो आप चीज़ें सीखते हो उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है उसको सीखिए। रिएक्शंस ऐसे तमाम आएंगे, कितने रिएक्शन याद करोगे आप, कितने यहाँ पर आपके प्रोडक्ट याद करोगे, आप रिएक्शन बनाना सीखो। यही तो है पढ़ने का तरीका। तो देखो बेटा, यहाँ पर पहला रिएक्शन देखो, ये है एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस यहाँ पर क्या लगा है? HCl। क्या लगा है? HCl। तो कॉलम खोलिए, अल्कोहल वाला जो चार्ट है उसको जरा दिमाग में लाइए। वहाँ पे मैंने बताया था जब HCl हो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हो, तो बताओ कौन सा रिएक्शन? ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या निकालोगे? यहाँ क्या निकालेंगे? माइनस करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर H2O निकाल दिया। आप यहाँ भी लिख सकते हो, हटाओ क्वेश्चन मार्क, बना दो प्रोडक्ट, 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 प्रोडक्ट बन गया CH3CH2OCl। ये Cl बनेगा, CH3CH2Cl, एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। बताओ कोई दिक्कत? आप देखो चार्ट को, चार्ट में देखिए आपने क्या पहचाना, आपने पहचाना रिएजेंट HCl और एनहाइड्रस क्लोराइड। तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर मिल गया। ये कौन सा है? ये कौन सा कार्बन है बेटा? ये कौन सा कार्बन है जरा पहचानो? 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर भी होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो यहाँ से निकाला H2O, बना दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना लो। अब देखो सारे रिएक्शन चुटकी बजाते सारे रिएक्शन होंगे, सारे रिएक्शन चुटकी बजाते होंगे। घबराना नहीं है, बस बने रहना मेरे साथ, बने रहना। ऐसे रिएक्शन, रिएक्शंस तो तमाम मिलेंगे आपको। तो क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को गायब करो और यहाँ चुप्पे से प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट। ये लिख दिया प्रोडक्ट, देखा मज़ा आ रहा ना? ये रिएक्शन की वाट लगा दिया, रिएक्शन की क्या लगा दिया? वाट लगा दिया। और आपने रिएक्शन की वाट लगा दिया। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर है HBr और H2SO4, HBr, H2SO4, और यहाँ 1 डिग्री क्या होगा बेटा? कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। और यहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो 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 देखो, ये क्वेश्चन मार्क को हटाओ और यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2RBr, ब्रोमोएथेन। बस इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखना है कि यहाँ पर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव रिएक्शन विद HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और H2SO4। यानी कि यहाँ पे H2SO4 यूज हुआ है बेटा, ये H2SO4 यूज हुआ है। तो हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल नहीं लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या दिखा देंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करेंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकालेंगे। तो ये क्या दिखाएंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ये हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर क्लियर होगा। अभी आप यहाँ पर HBr के साथ केवल 1 डिग्री वाला कार्बन, 1 डिग्री वाला कार्बन ही क्या बनाएंगे? ब्रोमाइड बनाएंगे। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है यहां पर। बस ये चीजें 2 डिग्री 3 डिग्री वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया अल्कोहल में 2 डिग्री 3 डिग्री एक्टिव होते हैं। और जैसे ही आप H2SO4 लोगे तो H2SO4 के प्रेजेंस में ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करेंगे। H2SO4 एक तरीके क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेट, वाटर निकालता है यहाँ से। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? एल्कीन बनेगा। ये क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। इसलिए देखो तो 1 डिग्री भी रिएक्शन देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल भी ऐसा दे सकते हैं, लेकिन 1 डिग्री की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो उनके ब्रोमाइड बनने के चांसेस क्या होते हैं? थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर H2O4 जो लेते हैं थोड़ा सा डाइल्यूट लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इतनी पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगला प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, पहचानो पहचानो जल्दी से, ये क्या है? एथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री। क्यों है? क्योंकि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ OH है और ये क्या है? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। देखो चार्ट में थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड प्रिडीन मतलब बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, तो यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने पर ये क्या बनाएगा? इसको जरा नोट कर लीजिएगा, तो इसको मैं मिटा के जगह बना लूँ थोड़ा सा जगह बना लूँ, जो जो चीज़ें हैं जहाँ पर बस उसको वहाँ पर मेंशन करना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबका एक्सप्लेनेशन है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? यहाँ पे बनेगा आपका CH3CH2Cl। थायोनिल क्लोराइड केवल क्या बनाएगा? Cl बनाएगा। और क्या निकालेगा? बाई प्रोडक्ट SO2। और क्या निकालेगा यहाँ से? HCl। तो ये गैस फॉर्म में निकल जाएगा, उड़ जाएगा, आपको एक क्लोराइड मिल गया। अब देखो आ गया PCl3 आ गया। तो PCl3 जब अटैक करेगा या इन सीटू रिएक्शन, इन सीटू मतलब समझते हो, इसी में ही आप आपके फास्फोरस और क्लोरिन डाल दीजिए, तो फास्फोरस और क्लोरिन इसी रिएक्शन में PCl3 बना लेगा और वो PCl3 इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो बताओ क्या सिखाया है चार्ट में? चार्ट देखो जल्दी, वो उसकी आत्मा है, वो जो मैंने बनाया है उसी के बेस पर ही रिएक्शन तैयार होते हैं। ये नहीं कि रिएक्शन लिख लिख के आप उसको तैयार करेंगे, आप समझो कि उसमें क्या यूज होने वाला है और किसके थ्रू रिएक्शन बनने वाले हैं। देखो ये रिएक्शन कितने आसानी से कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। तो PCl3 अगर यूज करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CH2RCl। बाई प्रोडक्ट क्या निकालेंगे? इन सीटू हटा देता हूँ और करके लिख ही दिया मैंने। तो यहाँ बेटा निकलेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड, ठीक है। बैलेंस करना हो कर लीजिए, यहाँ 3 कर देंगे क्योंकि 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ क्या है? मेथाइल अल्कोहल PBr3। देखो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये सब दे देंगे। तो PBr3 क्योंकि यहाँ H2O4 यूज नहीं हुआ है, तो क्या होगा? फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराइए, आराम से बनाइए, तो क्या बन जाएगा? मेथाइल ब्रोमाइड। बोलो जल्दी से, कमेंट करके बताना कि यस सर आपके पहले मैंने कर लिया, आपसे पहले मैंने रिएक्शन का प्रोडक्ट बता दिया। कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलेगा मेरा वीडियो सब मिलेगा जब चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे। शेयर करो, मदद करो लोगों की, गांव देश शहर शहर सबकी मदद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कर दो सब्सक्राइब, अब कर दीजिए, वेट ना करिए। अब यहां देखो बेटा, PCl5 तो यहां पर 2 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन देगा और ओनली PCl5 ही रिएक्शन देंगे, ओनली PCl5। तो प्रोडक्ट क्या बनाया था प्रोडक्ट? देखो वहां चार्ट में देखो जल्दी से, इसके बेस पर कई सारे बना सकते हो। अब देखो CH3 और ये हो गया Cl। प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट को माइनस करके यहाँ पे निकाल दो, जगह नहीं है ना मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे लिखना होगा, तो प्लस फॉर्म में लिखना, ठीक है, तो अंडरस्टूड है, माइनस मतलब निकल रहा है, और यहाँ लिखेंगे तो प्लस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा, माइनस करके पहले निकालूँ क्या? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और क्या निकालोगे? HCl। अब देखो यहाँ पर फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, बनाओ रिएक्शन, किसकी तरह बनाओगे? इसकी तरह बनाओगे, बना के लिखो, बना के कमेंट करो। ये है डाइमेथाइल। ये Me2 का मतलब क्या हुआ? Me2 का मतलब होता है बेटा, केमिस्ट्री में शॉर्टकट में मेथाइल को ऐसे लिख देते हैं, CH3 को Me के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ऐसा ना लिखकर हम Me लिख देते हैं। तो ये जो Me लिखा हुआ यही है मेथाइल ग्रुप है, तो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मेथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है ये,
टू मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और इस तरह से क्या लगा है एसोसीएल टू, तो बताओ OH को निकालो, क्लोराइड बनाओ, तो इसको भी करके जरा कमेंट करना मेरे को कि हाँ हो गया। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ऐसे हो जाएगा, आप चाल देखोगे ना, देखो 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 विदिन कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों में आपने सब रिएक्शन बना लिया। ऐसे दसों रिएक्शन बना सकते हो बेटा, रिएक्शन लिख लिख के आप किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते, रिएक्शन लिख लिख के समझ नहीं सकते जब तक कि उसकी आत्मा को आप नहीं देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझिए एक कार्बन की केमिस्ट्री है, एक एलिमेंट की केमिस्ट्री है। इस कार्बन को ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, बड़ी फुर्सत से बनाया है इसको, तभी आज ये जीवन का आधार है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यही एक अकेला कार्बन होता है जो कैटेनेशन पावर दिखाता है, एक कार्बन कई कार्बन के साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा। यही एक ऐसा कार्बन है जो खुद सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। यही एक ऐसा कार्बन है जो अपने साथ जुड़ता है, बाकी और एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, हैलोजन के साथ जुड़ेगा, OH के साथ जुड़ेगा, और ऑक्सीजन के साथ भी डायरेक्ट जुड़ जाता है, और नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। और यही एक ऐसा कार्बन है जो अदर मेटल के साथ भी जुड़कर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाता है, जिसकी दुनिया ही अलग है, वो अलग ही केमिस्ट्री लेके चला जाता है। कार्बन को हल्के में ना लेना बेटा, कार्बन ने कईयों की जिंदगी बना दी और कार्बन ने कईयों की जिंदगी ख़त्म कर दी। तो आपको ख़त्म नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। आओ इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग है बेटा, ये बेंजीन रिंग है, इसे कहते हैं एरोमेटिक रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। ये है एरीन, या एरीन रिंग भी कहते हैं इसको, एरीन रिंग भी कहेंगे इसको, नहीं देखेंगे कि ये इसका डबल बॉन्ड स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल होता है। इसको आप लोग कहाँ पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे आप हैलो एरीन में जब आएगा तो वहाँ बताएंगे। और वैसे भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है HBr में ये H क्या होगा, पॉजिटिव, Br क्या होगा, नेगेटिव। डबल बॉन्ड पर अटैक कराइए डबल बॉन्ड पर। अब डबल बॉन्ड पर जब अटैक कराओगे तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, मतलब कि इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। यहां से अगर तलवार चलाओगे बेटा, ये तलवार चलाओगे, ये काटा, तो बताओ क्या दो बराबर भागों में बढ़ गए क्या, नहीं बटे। तो बताओ चार्ट में मैंने क्या लिखवाया है, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, मार्कोनी काफ। और यहाँ परऑक्साइड नहीं है, तो बताओ H को कहाँ जोड़ोगे, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि यहीं पे मोस्ट स्टेबल क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ जोड़ेंगे और नेगेटिव को यहाँ जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए, जगह दिख रही होगी। तो यहाँ पर बेटा ये बेंजीन रिंग हो गया, डबल बॉन्ड, यहां तीन डबल बॉन्ड हो गया, फिर गोला बना दीजिए एक ही चीज। और यहां पर क्या जोड़ा बेटा, H तो है ही है, एक ब्रोमीन भी जुड़ गया और यहां पर तीन हाइड्रोजन आ गए। देखो बन गया कि नहीं, ये किस रूल से है, मार्कोनी काफ रूल से है, ठीक है। अब देखो यहां आ गया परऑक्साइड, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं है, इसका डबल बॉन्ड स्टेबल होता है, ठीक है। अब यहां डबल बॉन्ड पर इसको अटैक कराएंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, परऑक्साइड, बताओ उल्टा कर दीजिए, परऑक्साइड लिखा है तो मार्कोनी काफ का उल्टा, एंटी मार्कोनी काफ, खराश इफेक्ट होगा, ठीक है। तो होगा क्या, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। तो बताइए H कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, और ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, इसका उल्टा। तो क्यों ऐसा होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन को देखा जाता है कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और CH2, आप रिएक्शन पहले बनाना सीखो, बाकी मैक्रिजम तो
जेब में रहेगा, आपके जेब में मैकेनिज्म रहेगा, ये निकाला ये लो। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ जुड़ा है ना, ओके ओके ब्रोमीन जोड़ दीजिए, ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ क्या हो गया, एच जुड़ गया। तो ये एंटी मार्कोनी काफ एडिशन हो गया और ये मार्कोनी काफ एडिशन हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे आपने रिएक्शन कराया। बताओ कोई दिक्कत, चार्ट हेल्प कर रहा है ना, चार्ट जो मैंने अभी बनवाया, ठीक है, चार्ट है, चार्ट मत लेना, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसी के उसी को अप्लाई कर करके रिएक्शन तैयार होंगे। ये देखो एसोसिएल टू, ये क्या दिख गया, OH, इन दोनों की होगी दोस्ती, दोस्ती में क्या होगी, नया चीज बनेगा दोस्ती, बाकी तो जानते हो Cl, ये। और बाई प्रोडक्ट क्या निकालोगे, बाई प्रोडक्ट SO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और HCl यहाँ पर गैस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। मतलब क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छा तरीका होता है, यहाँ कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बचता है, यहाँ पर सब के सब उड़ जाते हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है। ये देखो आ गया मेथेन, और कहाँ है, एक्सेस अमाउंट में। जब मेथेन एक्सेस हो तो क्लोरीन अगर कम हो तो मेन प्रोडक्ट यहाँ बनेगा मोनोक्लोरो, यानी कि एक CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl और HCl निकाल दीजिए, फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस हो, अगर मान लो ये, मान लो कहीं पे मैं लिख दूँ, कहीं पे आप नोट, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सबका, तो मैं मिटा के इसको समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ, ये यहाँ बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, झमाझम रिएक्शन होगा, झमाझम झमाझम। ये देखो अगर यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में हो तो क्या होगा, देखो बेटा अगर क्लोरीन एक्सेस में है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। देखो अगर यहाँ पर CH4 और Cl2 लिखा है और ये एक्सेस में है, ज़्यादा में है, तब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेथाइल क्लोराइड, ये तो बनेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनेगा, CH2Cl2, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन ये बाहर कर देगा, सारे के सारे हाइड्रोजन ये बाहर कर देगा, क्योंकि एक्सेस में है ना ये क्लोरीन, तो बार 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 उस पर रिपीट करके रिएक्शन करेगा, तो सारे हाइड्रोजन निकाल बाहर करेगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, CH4+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या निकालेगा, एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, कौन सा होगा, फ्री रेडिकल अटैक होगा, यहाँ पर एच लिख दे रहा हूँ बेटा, ये एच लिख दिया, जब इस पर अटैक करेगा, इसको भी ClCl के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ये ClCl के फॉर्म में लिख दिया, तो जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, एक HCl बाहर निकल गया, तो क्या बचा, CH3 और क्या बचा, क्लोरीन, ये। फिर इस पर क्लोरीन का अटैक करा दीजिए, फिर क्लोरीन अटैक करेगा, और तब तक अटैक करेगा जब तक इसके हाइड्रोजन न निकल जाए, मतलब क्लोरीन जो है अपने पुराने कपड़े उतार देगा, मतलब हाइड्रोजन को हटा देगा और नए कपड़े पहनेगा, किसका, क्लोरीन का। तो इस तरह से ये देखो, फिर यहाँ पे फर्दर एक हाइड्रोजन बाहर करेगा HCl के फॉर्म में, क्योंकि दो क्लोरीन है, और यहाँ क्या बनेगा, CH2Cl2, और देखो एक्सेस में है क्लोरीन, क्लोरीन बिल्कुल पागल हो गया है इसको, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, CHCl3, और फिर क्लोरीन देखो एक्सेस में है तो फिर इस पर अटैक कर देगा, यहाँ HCl निकालते जाओ, HCl निकालते जाओ, फिर इस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, CCl4। जब एक्सेस में हो तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और जब मेथेन एक्सेस में हो तो क्लोरीन कम हो तो रिएक्शन लिमिटेड हो जाएगी, तो मेन प्रोडक्ट हमारा मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई तो ठोको लाइक, लाइक ठोको, सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लो। अब फिर देखो इसको आओ, यहाँ देखो बेटा ये बेंजीन रिंग है, यहाँ NO2 ग्रुप लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस पर अटैक कराना है, क्योंकि ब्रोमीन और क्या है, ये लाइट है, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से ये एनर्जी निकलेगी, HNU को लाइट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ देखो दो कार्बन है, कौन सा है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कार्बन क्या है बेटा, ये वाला 1 डिग्री है, और ये क्या है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अब ब्रोमीन 1 डिग्री पर ज़्यादा अटैक करना पसंद करेगा कि 2 डिग्री पर, तो मैंने लिखवाया है कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव होता है, इसका ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव है कि ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव है, तो मैंने क्या बताया, तो समझ लीजिए 3 डिग्री
3 डिग्री हाइड्रोजन इज अ मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह लगाइए। और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब कि 3 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, मतलब यहाँ 2 डिग्री है तो ब्रोमीन ज़्यादा कहाँ पर जाना पसंद करेगा, ब्रोमीन कहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, यही रिएक्शन होगा, यही वाला रिएक्शन होगा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो चार्ट में देख लीजिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ब्रोमीन यहाँ पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट ये बनाएगा, ये बनाया बेंजीन रिंग, यहां जोड़ा NO2, ठीक है, यहां गोला कर दिया, इसका जो डबल बॉन्ड है ना वो रोटेट करता रहता है रेजोनेंस की वजह से। तो यहां पर मेन प्रोडक्ट मैंने लिख दिया CH2, तो यहां पे एक H निकल जाएगा और यहां क्या जुड़ गया बेटा, ब्रोमीन, और ये हो जाएगा CH3। एक बार और अटैक कर सकता है इस पर क्योंकि एक H और है और यहां HBr बाहर निकल जाएगा, तो मेन प्रोडक्ट आप इसको बना दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन बनाते हैं। अब प्रिपरेशन में जितने रिएक्शन हैं आपके पास, जितने भी रिएक्शन हैं, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो ब्रोमीन को ऐड कराना हो, जैसे कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस यहां पे मैं कर देता हूं, बहुत आसान है, देखते रह जाओगे कैसे हो गया। देखो बेटा, देखो बच्चा, देखो देखो, दो तीन रिएक्शन और देखिए, जो आपके सरदर्द होता है ना, वो सरदर्द का मैं गोली दे रहा हूं, ये गोली है, खा के बस सो जाइए आज अच्छे से। देखिए दो तीन रिएक्शन और देखिए, सब समझा दूंगा मैं, कुछ ना छोड़ूंगा, एक चार्ट जो बनाया हूँ वही सब कुछ है। देखो जैसे मैंने रिएक्शन लिया NCERT का, देख लीजिए सरदर्द आपका बनता है, आज मैं इसका करा देता हूँ, बाकी रिएक्शन तो करा दिया। जैसे एक रिएक्शन ये है, ये आपका है इंटेस्ट का क्वेश्चन है, इंटेस्ट क्वेश्चन नंबर 5 का है, और रिएक्शन यहाँ बेटा है 4th रिएक्शन, ज़रा देखिएगा, नहीं कर पाओगे बताना मुझको, बताना आप कर लेंगे, ये कर लेंगे CH3, और यहाँ HI यूज किया जो कि मोर रिएक्टिव होता है, कोई रिएजन जरूरत नहीं है। बताओ बताओ इसको जल्दी जल्दी से बताना, जल्दी जल्दी। देखो ये है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये भी कार्बन है, तो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये वाला 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ 3 डिग्री कार्बन, और ये कौन सा कार्बन बेटा, 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये 2 डिग्री कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बताओ ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो एच कहाँ जाएगा, यहाँ कोई पराक्साइड तो लिखा नहीं, यहाँ तो कोई पराक्साइड नहीं है, तो एंटी मार्कोनी काफ नहीं लगेगा, यहाँ मार्कोनी काफ लगेगा, मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कहाँ जाना पसंद करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन के उस हाइड्रोजन पर जाएगा जहाँ पर ज्यादा होगा, यहां पे जोड़ दीजिए और H को यहां जोड़ दीजिए, बस बन गया एडिशन रिएक्शन। यहां पर क्या जोड़ा, H, और यहां क्या जोड़ा, आयोडीन, क्या पहले से जुड़ा हुआ है CH3, बताओ कोई दिक्कत है, वही रिएक्शंस, बस घबरा जाते हैं। एक और देखो यहां बेटा, यहां देखो एक और रिएक्शन कौन है, यह है शायद है 6th रिएक्शन, 6th रिएक्शन, बाकी नेम रिएक्शन के हैं वो भी मैं करवा चुका हूँ, आपके सारे रिएक्शन हो गए, अब मस्त हो जाइए। आप बताइए कमेंट करके, क्या इसको रटना पड़ा आपको, हाँ जो दिखा वही लिखा, जो मेरा पुराना कॉन्सेप्ट है, मेरे पुराने बच्चे जानते होंगे, यहाँ हीट लिखा हुआ है और यहाँ पर यूवी लाइट। ये अब देखो, ये BR2 है, बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, बच्चे लगाएंगे कि इस ब्रोमीन को यहाँ ऐड करना है, एडिशन रिएक्शन होगा, हाँ होता है एडिशन रिएक्शन, यहाँ ब्रोमीन का होता है बेटा, ऐसा नहीं है, डाइब्रोमाइड बनता है, ये बना देंगे, बट ये रिएक्शन गलत हो जाएगा। पूछो क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हीटेड लाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, यहाँ एडिशन नहीं करना, यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल
रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पर नेर डबल बॉन्ड के नेबर कार्बन पर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के क्या जोड़ेंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और ये ब्रोमीन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, चूँकि अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, फ्री रेडिकल है ना, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, एच बी आर बना लेगा। तो इस पर कौन सा रिएक्शन हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। यहाँ एडिशन रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लाइट लिखा हुआ है। देखो मैंने चार्ट में लिखवाया है, लाइट होना चाहिए वहाँ पर, उसके रिएजन के फॉर्म में लाइट होना चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट ये बनेगा, और एच बी आर को बाहर निकाल दीजिए। बताओ और कोई रिएक्शन, और कोई रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। कुछ आपके इंटरेस्ट के और क्वेश्चंस हैं वो भी मैं दो मिनट में करा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ बस एक मिनट के लिए। ये हट गया, ले लिया होगा आपने। जरा इंटेक्स्ट नंबर टू का क्वेश्चन देखते हैं। इंटेक्स्ट नंबर टू का क्वेश्चन, रिएक्शंस का कोई हेडेक नहीं आपको, जो रामबाण मैंने दिया है ना, उस रामबाण का इस्तेमाल करो, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना सीखो, रटना मत सीखो, जो भी आता हो उसका इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI, मतलब कि H2SO4 not used during the reaction of alcohol, ठीक है, with KI, why ऐसा क्यों होता है। ये इंटेस्ट का क्वेश्चन है बेटा, इंटेस्ट का दूसरा क्वेश्चन, बताओ बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर H2SO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो ये H2SO4 करेगा क्या, ये H2SO4 KI के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर बना देगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या निकालेगा, HI। अब इस HI को रिएक्शन किससे करना है, इस HI को रिएक्शन करना होगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ। और यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए एल्किल आयोडाइड और H2O निकल जाना चाहिए। बट हमारा बैड लक ऐसा रिएक्शन नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 act as a oxidizing agent, ये HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, H2SO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा, जो HI बना है उसी को खा लेगा ये। मतलब H2SO4 यहाँ HI के साथ रिएक्ट करके ये इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ SO2 बनाएगा और यहाँ पर H2 बनाएगा। इस तरीके से ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है बेटा, इसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर देंगे अपना, ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे, कितना हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 कर देगा, बैलेंस कर दीजिएगा, तो ये I2 बन गया। तो मतलब कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता, बट H2SO4 जो HI को पैदा किया उसी HI को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, I2 में। अब I2 तो बन गया तो I2 तो रिएक्शन करेगा नहीं अल्कोहल के साथ, इसीलिए हम H2SO4 को अल्कोहल और KI के साथ रिएक्ट नहीं कराते। ये H2SO4 नॉट यूज्ड, नहीं यूज करेंगे किसमें, KI के साथ, ROH यानी अल्कोहल के आपके किसमें, आयोडाइड बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, ये भी हो जाएगा बेटा, आसानी से हो जाएगा। नहीं होगा तो लाइव क्लास में इसको मैं करा दूंगा पूरा, आप आइएगा लाइव क्लास में तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ क्वेश्चन आंसर करके, वहाँ पर बना होगा, वहाँ पर थंबनेल बना होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4 करके रहेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ हो जाएंगे, मैंने रिएक्शन वाले सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। बताओ बेटा कैसा लगा आपको,
रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, अब कुछ काम डाउन हुआ, मतलब कुछ आपका जो हेडेक है वो कम हुआ कि नहीं हुआ, यही सीखेंगे हम लोग, यही जानेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया अलग है, ये कॉन्सेप्चुअल दुनिया है, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दुनिया है, हम इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते, हमें उनके तरीकों को सीखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को नहीं, रिएक्शंस कैसे बनते हैं, नहीं रिएक्शन कैसे होते हैं, उनके क्या कंडीशंस हैं, उनके मैकेनिज्म क्या है वो जानेंगे। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ जाते जाते, यहाँ पे जो मार्कोनी काफ का रूल था उसको थोड़ा सा मैं एलोबोरेट कर दूँ, थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा और बता दूँ ताकि आपका ये हेडेक ना रहे। मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ का, बस थोड़ा सा और, मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ। देखो बेटा, अगर मार्कोनी जो मैंने अभी सिखाया था, थोड़ा सा इसको डिटेल्स बता देता हूँ, मार्कोनी काफ कहीं कहीं वी होता है, कहीं कहीं एफ लिखा होता है, बस इतना याद रखना कि अगर अनसिमेट्रिकल, अगर एल्कीन यहाँ पर है ठीक, और आपको यहाँ कुछ भी ना लिखा हो, केवल रिएजन लिखा हो, जैसे सपोज दैट HBr है, HBr ठीक है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCl भी हो जाएगा यहाँ पर, तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इसको, यानी पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर बेटा इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यानी बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा ठीक है। और अगर आपने इसको यहाँ ऐड किया, यहाँ पर ऐड किया ठीक, इस कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, इस कार्बन पर जब ये, जब इसका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर घुमाओगे ना इधर, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो अगर यहाँ ऐड हुआ तो ये बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकटायन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा आपका, इसके CH2 में पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, और जब उल्टा घुमाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ऐसे केस में ये बनेगा क्या, CH2, यहाँ H जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH2+, तो इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकटायन, 1 डिग्री कार्बोकटायन, 1 डिग्री कार्बोकटायन। और यहाँ पर जो 2 डिग्री कार्बोकटायन होता है, 2 डिग्री कार्बोकटायन होता है, ये होता है मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। और यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट बनना है तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकटायन का बनना जरूरी है, इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर एडिशन ये वाला होगा, जिससे क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन। और जब यहाँ पे कटायन बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी यहाँ जब पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा हाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक, अटैक के बाद, तो ये पॉजिटिव पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा, नेगेटिव जाकर जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड मार्कोनी काफ रिएक्शन। और अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया, तब ये रिएक्शन कैसा होगा, एंटी मार्कोनी काफ, एंटी मार्कोनी काफ, या फिर खरैस इफेक्ट भी कहते हैं इसको, खरैस इफेक्ट, इफेक्ट, या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं इसको, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बनाता है, पेरोक्साइड क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, तो इसको मिटा रहा हूँ। देखो अब इसके इसके साथ कराता हूँ, तो पेरोक्साइड क्या होता है, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हम लोग यूज करते हैं, इस तरह होता है पेरोक्साइड, ROOR ठीक है, ये पेरोक्साइड होता है। तो इस पेरोक्साइड में भी कौन सा फिशन होगा, होमोलिटिक फिशन होंगे, तो यहां पर बेटा 2RO फ्री रेडिकल बनता है, और ये फ्री रेडिकल्स तब जाकर HBr पर अटैक करता है और वहां पर बनाता है R फ्री रेडिकल्स, यहां पर बनाएगा बेटा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और यहाँ पे ROH ये बन जाता है ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा, किस पर, CH3CH2 पर, ध्यान देना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर ये अटैक करेगा। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा ठीक है, पहले मैं आपके हेलो, ये है फर्स्ट ईयर का, ये 11th का है ठीक है, फिलहाल आपको इस 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको ये रिएक्शन समझाने के लिए मैं इतना समझा रहा हूँ। देखो बेटा, जब ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो इसके पास दो चांस होंगे, या तो ये यहाँ पर अटैक करे,
या तो ये यहाँ पर अटैक करे, ठीक है। अगर ये ब्रोमीन फ्यूटिकल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो आपको मिलेगा 2 डिग्री, 2 डिग्री क्या मिलेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ भी होमोलिटिक फिशन होगा, यहाँ भी होमोलिटिक फिशन होगा, ये भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के अपने अपने लेके अलग हो जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ भी फ्रीडिकल, यहाँ भी फ्रीडिकल, ये फ्रीडिकल और ये फ्रीडिकल, ये फ्रीडिकल और ये फ्रीडिकल आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, CH2Br बनाएंगे। तो ये जो 2 डिग्री फ्रीडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, रेडिकल है, ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। और अगर यही फ्रीडिकल इस कार्बन पर अटैक करता तो यहां पर देखो, यहां पर इस पर अटैक करता तो क्या बनता, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है। यही वजह होता है कि सबसे पहले यहां क्या बनाया जाता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, कब, जब यानी ब्रोमीन किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। तो जो बचा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां से आके अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ शेयर कर लेगा और ये CH2 बन गया। मतलब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम है तो परऑक्साइड की वजह से, और यहां पर हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा, यहां CH2H यहां पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है विदाउट परऑक्साइड इफेक्ट की वजह से। यानी कि यहां पर यह मैकेनिज्म होती है, यह मैकेनिज्म होती है आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म यानी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, याद करो, नहीं याद है तो इसको समझ लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और ये रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एडिशन ऐड कर रहा है यहां पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ का भी मैंने आपको बता दिया। कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से प्रॉब्लम हो, आप हमको बताइएगा, इसका फुल वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, हम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आपके जो रिएक्शंस हैं परऑक्साइड और विदाउट परऑक्साइड जो मैंने अभी कराया, उसको करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं 4th लेक्चर में, हम लोग मिलेंगे, वहाँ पर सीखेंगे प्रेपरेशन ऑफ हैलोएरीन। आज का जो वीडियो लेक्चर था वो प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन का था। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और जानने और समझने में आपको बहुत हेल्प मिला मेरे वीडियो लेक्चर से। तो आप कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कराइए, अपने पास मत रखिए, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज मिल रहा है तो अपने पास रख के ना 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 फैलाइए उसको। आप अगर वीडियो लेक्चर को फैलाओगे, चैनल सब्सक्राइब कराओगे, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे। ये सब तो मैं अलग अलग वीडियो लेक्चर बनाता रहूँगा, बस आप एक बार मेरा प्रमोट करिए, मेरा प्रमोशन करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकूँ। ओके, थैंक यू।